नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने मिलकर आज एक रैली के रूप में शहर में प्रदर्शन किया, बल्कि शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक साथ आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कमलनाथ सरकार के द्वारा काटे जा रहे मानदेय का विरोध करते हुए उन्हें उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। संगठन की जिला अध्यक्ष शोभा तिवारी ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही एक माह के अंदर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हम न्यायालय की शरण में जाने मजबूर रहेंगे व उग्र आंदोलन करेंगे। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। आपकी मानी है, नहीं मानी है तो आपने उनको गिरा दिया है, अब नई सरकार चुनी है? नहीं नहीं, हम लोगों ने नहीं गिराया, क्योंकि उनने तो हमें बढ़ाया था सर। फिर जो है कांग्रेस सत्ता ने हम लोगों को पहले वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने लिख दिया था, तो कुछ बहने बहक गई कि हाँ सत्ता आएगी तो शासकीय घोषित करेंगे, तो उनने दिया तो कुछ नहीं। और ये पहली सरकार है जो हम लोगों के पेट का छीना है उनने, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। शिवराज मामा से विपरीत है क्या? नहीं नहीं, हम लोग नहीं शिवराज मामा से विपरीत, इनके भी कांग्रेस से विपरीत भी नहीं है। यदि हम लोगों को वापस कर दें, वो मान लो उनके पास नहीं है अलाउमेंट, तो भैया दे नहीं रहे तो वापस तो ना लें।